फाइनली गाइस बजाज कंपनी ने अपने पल्सर 150 का न्यू 2024 मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग समझ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप में बेस्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में न्यू पल्सर 150 में आप लोग को न्यू क्या अपडेट दिए गए हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहे, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस बजाज कंपनी ने अपने पल्सर 150 का न्यू 2024 मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसमें कि आप लोगों को काफी न्यू अपडेट दिए गए हैं। इस बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर के साथ साथ इस बाइक में आप लोगों को यूएसबी चार्जर पॉइंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को इस बाइक में फुली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बाइक के फुली डिटेल के बारे में बात करने वाले, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें फ्रेंड, तो वो चेंजेस इसके आप लोगों को ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा। इसके टैंक पे 150 का आप लोग को स्टिकरिंग दिया गया है, जिससे ये पहले से और भी ज्यादा ये स्पोर्टी लुक में बाइक आप लोग को लग रही है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लगा। सेकेंड अपडेट के बारे में बात करें फ्रेंड, तो वो आप लोग को मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा, क्योंकि पल्सर 150 में भी आप लोग को फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बाइक में आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ आप लोग को इस बाइक में यूएसबी चार्जर पॉइंट देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने फोन वगैरह को इजिली चार्ज कर सकते हैं। तो कुल यहाँ पे यही तीन अपडेट किए गए हैं फ्रेंड, पहला ग्राफिक्स का, दूसरा डिजिटल मीटर कंसोल का और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ यूएसबी चार्जर पॉइंट, यही आप लोग को तीन अपडेट किए गए हैं इस बाइक में। इसके अलावा आप लोग को बाइक के फीचर्स के बारे में बात करें या इंजन के बात करें, सब आप लोग को पहले के तरह ही देखने को मिलेगा, कोई भी इसमें आप लोग को चेंजेस नहीं किया गया है फ्रेंड्स। और बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में फ्रेंड, तो ये बाइक आप लोग को 1,50,000 के आसपास ऑन रोड मिलने वाली है। तो आप लोग बताइए फ्रेंड की आप लोग को ये न्यू अपडेट कैसे लगे, आपके अनुसार इस बाइक में और न्यू अपडेट क्या होने चाहिए थे, आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।